पूरे बैंगन पर तेल लगाकर उसे सीधा गैस पर हम रख देंगे भूनने के लिए। अच्छे से भून जाए उसके ठंडा होने के बाद उसकी स्किन और डीटे निकाल देंगे और उसको कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हम 2 टमाटर लेंगे और हरी प्याज लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रख के हरी प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। अब उसके बाद हम लहसुन डाल के उसको पकाएंगे। फिर 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चमची हल्दी पाउडर, आप चाहे तो तीखा बना सकते हो, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर टमाटर डाल के उसको अच्छे से पका लेंगे। मसाले पक गए और सब्जियों ने भी तेल छोड़ लिया। उसमें हम भुना हुआ बैंगन डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के सबको अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी हमारी बनके रेडी है। आखिर में गैस बंद करके हरा लहसुन और धनिया डाल देंगे तो तैयार है बैंगन का भरता। आओ जो जय श्री कृष्ण।